हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है मॉर्फोलॉजी, यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी को अपन डिस्कस करेंगे वन शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो आपको ये छोटे से वीडियो के अंदर आपको सारी मॉर्फोलॉजी के जितने भी एग्जांपल्स हैं एकदम ट्रिक के साथ मिलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेगा उसको मॉर्फोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी वीडियो के आगे अपन मैं बताता रहूँगा आपको सारी चीज़ें। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, अगर इच्छा करे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैं डालता रहता हूं। बाकी इससे पीछे के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन से वीडियोस आपको टफ लगते हैं, और अगर ईजी भी लगते हैं तो उनको वन शॉट में आपको देखना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर पहले से वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं मेरे अकॉर्डिंग तो चलता ही रहूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन की। रूट का मैंने बाद में लिखा हुआ है तो वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर में सबसे पहले रूट गिवन है, बट मैं यहाँ से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। तो अब मेरे अकॉर्डिंग देखते रहो, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन की। तीन टाइप का अपनी एनसीईआरटी में गिवन है, ये है एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। यानी कि इसको हिंदी में आप समझ सकते हो। हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो आपके लिए भी सही नहीं होगी, क्योंकि आपको सिर्फ रिवाइज करना है वन शॉट वीडियो के थ्रू, तो इस तरीके से आपको हो जाएगा। तो एरियल की बात करें तो एरियल यानी कि वायु के अंदर, यानी कि जो बाहर एयर में रहते हैं, तो वो कौन से होते हैं, टेंड्रिल्स और थॉर्न्स, यानी कि जो कांटों की बात आती है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमें बाहर ही दिखाई देते हैं कांटे, और ये टेंड्रिल्स जो प्रतान होती हैं वो अपन को बाहर ही दिखाई देती हैं, तो वो वायु है तो वो एरियल ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। सब एरियल की बात करें तो इसके अंदर आते हैं RSSO, इससे आप याद कर सकते हो। तो रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट, इसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है सब एरियल को, और अंडरग्राउंड के अंदर ट्यूबर, कॉर्न, राइजोम और बल्ब, तो इसको डिवाइड किया गया है। तो इनको अब अपन ट्रिक से याद करेंगे। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो सब एरियल, एरियल का मैंने बता ही दिया था आपको। तो रनर की पहले बात करते हैं, रनर की, तो रन करना है। यानी कि एक आपने डायलॉग सुना होगा कि डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये कैसे याद करेंगे, अगर डॉन भागेगा तभी तो उसको पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि वो तेज भागता है। तो यानी कि रनर का मतलब हो गया रन, यानी कि रन करने से आपको याद रह जाएगा रनर, क्योंकि इसके जो सब एरियल थे इसके चार पार्ट थे। तो सबसे पहला अपन रनर के डिस्कस कर रहे हैं, और डॉन से मतलब आ जाएगा साई, साइन ऑफ डॉन, तो लास्ट में डॉन लगा हुआ है तो साइन ऑफ डॉन का एग्जाम्पल हो जाएगा, और रनर से मतलब आ जाएगा रन करना, तो इससे आपको याद रह जाएगा। अब बात करते हैं स्टोल की। तो स्टोल को याद करने का तरीका है कि स्ट्रॉबेरी एक महंगा फ्रूट होता है, तो इसको अपन चुरा लेना ही सही समझते हैं अपन, यानी इन द सेंस कि स्ट्रॉबेरी सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि महंगा फ्रूट होता है। तो इस वजह से अगर चोरी करके ले आएंगे तो अपन इजीली स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। हालांकि मेरा कोई टारगेट इसमें नहीं है, सिर्फ याद करने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि स्ट्रॉबेरी से याद रह जाएगा कि स्ट्रॉबेरी इसका एग्जांपल है, और स्टोल मतलब स्टोलन से अपन याद कर लेंगे। तो स्टोल मतलब चुराना होता है, तो इससे अपन का स्टोलन से स्टोलन याद रह जाएगा, स्ट्रॉबेरी से इसका एग्जाम्पल याद रह जाएगा कि स्ट्रॉबेरी स्टोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात आती है शक्कर की। तो शक्कर का क्या करते हैं, इसका मतलब है कि चार मिनट में बनाना शेक। तो बनाना शेक कितने मिनट में बन सकता है, ऑलमोस्ट चार मिनट में बनाना शेक अपन बना सकते हैं इजीली, अगर सारा मटेरियल ऑलरेडी वहां पर रखा हुआ हो। अब चार का सी एच का मतलब आ जाएगा क्राइसेंथिमम, इसका एग्जाम्पल है, तो सी एच से क्राइसेंथिमम, मिनट से मतलब मिंट का प्लांट आ जाएगा, और बनाना से तो बनाना है ही, और शक्कर का मतलब आ जाएगा शेक, बनाना शेक से मतलब आ जाएगा शकर, तो शकर के एग्जाम्पल हैं। तो ट्रिक ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें कि उसका नाम भी आए कि अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। लास्ट बात करते हैं ऑफसेट की। तो ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या है कि पायल नहीं आने से अपसेट हूं। अब किसी को आप रिलेट कर सकते हो इजीली, अगर किसी का नाम पायल है तो वो बुरा मत मानना, अपन ने सिर्फ याद करने के पर्पज से ये नोट किया हुआ है। तो यानी कि पायल का मतलब पी से हो गया पिस्टिया, नहीं आना मतलब आईकोनिया, अब नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं कि आईकोर्निया या फिर आईकोनिया या फिर आईकोर्निया रिलेट हो रहा है ना इससे। अपसेट से मतलब आ जाएगा ऑफसेट, तो इसका मतलब अपन का याद हो गया, ऑफसेट के एग्जांपल है पिस्टिया और आईकोर्निया, और याद करने का तरीका पायल के नहीं आने से अपसेट हूं, यानी कि कोई लड़का है जो कि उसको कुछ भी समझ सकते हो, दोस्त पायल हो है जो कि नहीं आने से वो अपसेट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अंडरग्राउंड की। तो अंडरग्राउंड लास्ट था अपना, इसके भी तीन टाइप हैं, तो ट्यूबर, कॉर्न, राइजोम और एक है बल्ब, तो ये चार टाइप के थे, मैंने आपको पहले बताया था। तो ट्यूबर का एग्जांपल आ जाएगा टी पोट, तो यानी कि टी पोट यानी कि चाय का कोई बर्तन है, तो उससे याद करने का तरीका पी से आ जाएगा पोटेटो और टी से आ जाएगा ट्यूबर, तो ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है, पोटेटो। अब कॉर्न का
सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बल्ब के बारे में। तो बल्ब के एग्जांपल आपको ऊपर दिख रहे होंगे, यानी कि अनियन और गार्लिक, तो ये है प्याज और लहसुन, तो आपको स्क्रीन पर इसके दिख रहे होंगे। ये बल्ब टाइप में, यानी कि बल्ब के जैसे इनकी शेप होती है, इसलिए इनको बल्ब बोल दिया, तो ये इजीली आपको याद रह जाएंगे। कॉर्न की बात करें तो कॉर्न के एग्जाम्पल है कॉइन, कॉइन ऑन जमीन, यानी कि कोई सिक्का है वो जमीन के ऊपर गिरा हुआ है, उसको आप अज्यूम कर सकते हो। तो कॉइन के सी से आ जाएगा कॉर्न और जमीन के मतलब एम से आ जाएगा जमीकंद, इससे इसका एग्जाम्पल याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राइजोम। तो राइजोम क्या क्या करते हैं, गिटार से याद रखेंगे, GTR गिटार बजाते हैं, तो किसी को राजी करने के लिए, हंसाने के लिए, तो राइजोम मतलब राजी करना और गिटार से मतलब गिटार से राजी करना। तो जी से मतलब आ जाएगा जिंजर, टी से आ जाएगा टर्मरिक और आर से मतलब आ जाएगा राइजोम, तो इससे याद रह जाएगा इजीली। जिस तरीके से आपको याद रहे मैंने सारी ट्रिक यहाँ पर बना दी है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरी की। तो ये भी बहुत ज्यादा याद रहने में कन्फ्यूजन इसमें होता है। तो ओवरी के टाइप है तीन, सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर और इन्फीरियर, ये तीन टाइप की हैं। अब सुपीरियर को याद करने का तरीका है, इसको याद करेंगे अपन एक इस तरीके से, कहानी से। तो कहानी याद रखो कि सुपीरियर यानी कि एक क्लास के स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट तीन टाइप के होते हैं, एक तो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ एग्जाम के टाइम पर पढ़ते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट जो हर टाइम पढ़ते रहते हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट बैक बेंचर जो कि कभी नहीं पढ़ते। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, बैक बेंचर का एग्जाम्पल तो बहुत बार सुना होगा। तो अब सबसे पहले इस कहानी से आपको क्या समझ में आएगा, तो सुपीरियर यानी कि ऐसे लड़के जो हमेशा मस्ती रोज बुक्स के साथ, यानी कि सुपीरियर बच्चे क्लास के टॉपर्स वही होते हैं जो सारे टाइम पे पढ़ने की बातें करते हैं या फिर पढ़ते ही रहते हैं, उनकी अगर मस्ती भी होती है तो वो बुक्स के साथ ही होती है। तो सुपीरियर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मस्ती रोज बुक्स के साथ। तो इससे याद रखने का तरीका क्या है कि सुपीरियर जो लोग होते हैं उनकी मस्ती भी बुक्स के साथ ही होती है। तो मस्ती से मतलब आ जाएगा मस्टर्ड, रोज से मतलब आ जाएगा चाइना रोज, यानी कि रोज, तो उसके पीछे चाइना लगा दो, उससे चाइना रोज हो जाएगा। बुक्स मतलब ब्रिंजल, तो ये आपको आराम से सुपीरियर के एग्जांपल्स याद हो गए कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। नेक्स्ट बात आती है हाफ इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर यानी कि वो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ पेपर के टाइम पर ही पढ़ते हैं, तो ये आपको याद रह जाएगा PPR के टाइम ही पढ़ते हैं, तो यानी कि सुपीरियर नहीं है वो, थोड़े बहुत सुपीरियर हैं, यानी कि कम से कम पेपर के टाइम पर तो पढ़ते हैं। तो पी से मतलब आ जाएगा प्लम, पी से आ जाएगा पीच और आर से मतलब आ जाएगा रोज। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फीरियर की, लास्ट वाला बचा है। तो अब इन्फीरियर यानी कि बैक बेंचर, स्टूडेंट गेम चेंजर होते हैं। तो जो बैक बेंचर होते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि गेम चेंज लाइफ में वही करते हैं, वो किसी के अंडर में काम नहीं करते, वो खुद अपना इतिहास बनाते हैं। तो यानी कि जो इन्फीरियर यानी कि जो लास्ट बैक बेंचर होते हैं वो गेम चेंजर होते हैं हमेशा। तो स्टूडेंट्स गेम चेंजर होते हैं, तो जैसे कि एस टी से मतलब सनफ्लावर आ गया, गेम से मतलब आ गया गुआवा, और चेंजर से मतलब सी एच से आ जाएगा कुकुम्बर। तो ये आपको याद करने का तरीका आ गया, पूरी ओवरी आपको इस तरह से याद हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलोटैक्सी से। तो ये फाइलोटैक्सी क्या होती है, फाइलो मतलब आ जाएगी लीव्स यानी कि पत्तियां, और टैक्सी मतलब हो गया उनका अरेंजमेंट। तो ये किस तरीके से पत्तियों का अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर भी इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अल्टरनेट हो गया, अपोजिट हो गया और वर्ल्ड हो गया। तो इसको याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको ये ट्रिक से समझाऊंगा। तो चाइना मेड सस्ते अल्टरनेट, तो अल्टरनेट को याद करने का तरीका है कि चाइना के अंदर सबसे ज्यादा अल्टरनेट चाइना में बनती है, यानी कि चाइना मेड चीजें होती हैं। यहां पर किसी को बुरा बताने की बात नहीं हो रही है, अपन सिर्फ याद करने के पर्पज से ये चीजें देख रहे हैं, तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो अब देखो इसकी ट्रिक क्या होगी, चाइना, चाइना सी एच से मतलब आ जाएगा चाइना रोज, मेड मतलब आ गया मस्टर्ड, यानी कि मेड के एम ए से आ गया मस्टर्ड, सस्ते से आ जाएगा सनफ्लावर, और अल्टरनेट से आ जाएगा अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्रिक्स के अंदर उसका भी नाम आना चाहिए जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो ये आपको याद हो गया होगा अल्टरनेट फर्स्ट वाला। नेक्स्ट बात कर, नेक्स्ट वाला आता है अपोजिट। तो अपोजिट की ट्रिक क्या होने वाली है, जैसे कि ग्वानिन और साइटोसिन, आप ये चैप्टर जेनेटिक्स में पढ़ते होंगे कि ग्वानिन के साथ साथ अपोजिट कौन आता है, साइटोसिन, तो इसके अपोजिट होता है। अब इससे कैसे याद रहेगा, जी से मतलब आ जाएगा गुआवा और सी से मतलब आ जाएगा केलोट्रोपिस। तो इससे याद करने का तरीका आपको समझ में आ गया कि ग्वानिन साइटोसिन के अपोजिट में होता है, जैसे जब भी बेस पेयर की बात होती है, और इससे अपन का अपना मतलब सीधा हो गया कि जी से मतलब गुआवा और सी से मतलब केलोट्रोपिस। अब बात करते हैं वर्ल्ड की, तो इसकी ट्रिक होती है कि व्हील ऑफ एल्यूमिनियम, तो व्हील WHEEL, W व्हील के WH से आ जाएगा वर्ल्ड और एल्यूमिनियम से आ जाएगा एल्स्टोनिया। तो ये आपका पूरा अपनी फाइलोटैक्सी कंप्लीट हो गई। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगता हो वीडियो तो सब्सक्राइब चैनल जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की ID भी गिवन है, ऐप भी का लिंक गिवन है, वहाँ पर भी फॉलो कर लो, तब क्योंकि हम वहाँ पर भी अपडेट डालते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये
चार टाइप का होता है, एक होता है वेलवेट, दूसरा होता है ट्विस्टेड, तीसरा होता है इम्ब्रिकेट और चौथा होता है वेक्जिलरी। इसको भी याद करने का बड़ा मुश्किल तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रिक्स अपन ने बनाई हुई है हर एक चीज की, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वेलवेट की। तो वेलवेट के अंदर एल का मतलब हो गया कि जिसमें एल्यूमिनियम आता हो, जिसके नाम में एल आता हो, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे कि मतलब कैलोट्रोपिस, तो कैलोट्रोपिस के अंदर भी ए एल आता है, इसीलिए इसके ऊपर ये अंडरलाइन और सर्किल किया हुआ है। और ब्रिंजल के अंदर भी ए एल आता है, तो इसलिए आपको ये याद रह जाएगा। एग्जाम्पल पेपर में आपको सीधे सीधे दिखेंगे, तो वहां पर आप इसको इजीली अलग कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्विस्टेड की और बाकियों की। ट्विस्टेड की बात करेंगे सेकंड टाइम पे, तो चाइनीज लेडी हैज टू चिल्ड्रंस। तो ट्विस्टेड मामला ऐसे हो गया यहाँ पर, ट्विस्ट का कैसे याद रखेंगे, तो यानी कि ट्विस्टेड मामला है क्योंकि चाइना में हमेशा वन चाइल्ड पॉलिसी रहती है, यानी कि वहां पर वहां का रूल है। इंडिया में जैसे कि टू चाइल्ड पॉलिसी है, हम दो हमारे दो, वहां पर चाइना में हम दो हमारा एक, यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी है। तो लेकिन ट्विस्टेड बात यह हो गई कि किसी लेडी के दो चिल्ड्रन हैं, यानी कि ट्विंस हो गए, तो अब वो क्या कर सकती है, इसीलिए ये मामला ट्विस्टेड हो गया। अब देखो, चाइनीज से मतलब आ जाएगा चाइना रोज, लेडी से मतलब आ जाएगा लेडी फिंगर, ट्विन से मतलब आ जाएगा ट्विस्टेड, और सी से आ जाएगा कॉटन। तो ये मैंने ट्रिक आपको बता दी है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है आई एम कॉलेज गाय। तो खुद को आप कॉलेज गाय समझ सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट समझ सकते हो। तो आई एम का मतलब आ जाएगा इम्ब्रिकेट, आई एम से मतलब इम्ब्रिकेट, कॉलेज से मतलब केसिया, और गाय से मतलब आ जाएगा गुलमोहर। तो ये जिसे गुलमोहर आपका याद रह जाएगा। लास्ट बात करते हैं वेक्जिलरी की। अब वेक्जिलरी का एग्जाम्पल है वेरी पॉपुलर, तो यानी कि वेक्जिलरी ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वी से आ जाएगा वेक्जिलरी, पॉपुलर से मतलब आ जाएगा पेपिलियोनियासी फैमिली। तो पेपिलियोनियासी फैमिली के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वेक्जिलरी के। अभी बात करते हैं बाकी की। अभी नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। तो प्लेसेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, याद नहीं रहते, कभी भूल जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसके पांच टाइप्स के ये गिवन है अपनी एनसीईआरटी में, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और लास्ट का आता है बेसल। इसी तरीके से अपन इनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं मार्जिनल की। तो मार्जिनल का एग्जाम्पल है मटर, कैसे याद करेंगे, तो मार्जिनल का एम और ऐसे मटर का भी एम, जैसे कि इंग्लिश में इसको पी बोल देते हैं, तो इससे इसका एग्जाम्पल याद रह जाएगा। और ये तो सबको याद ही रह जाती है पहली पहली चीजें, तो बाकी की ट्रिक्स अपने पास हैं। तो एक्साइल की बात करें, तो जिस फ्रूट को काटने के बाद उसमें एक्स बनता हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी लेमन की फोटो, तो लेमन को जब आप काटते हो तो आपको एक्स की टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई दिखती है, और आप ऑरेंज को भी काट के देखते हो तो उसमें भी उसी टाइप की बनी हुई रहती है। तो एग्जाम्पल इसके देख लो सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया और टोमेटो हो गया, तो इनकी स्ट्रक्चर में आपको दिखते होंगे एग्जाम्पल, आपको स्क्रीन पे फोटो भी दिखी होगी। तो इसमें जिसमें एक्स के नीचे अंडरलाइन मैंने इसीलिए बनाई हुई है क्योंकि जिस फ्रूट को काटने पर एक्स टाइप की स्ट्रक्चर बने, तो वो इसका एक्साइल का एग्जाम्पल होगा, तो उसका प्रेजेंटेशन एक्साइल टाइप का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं पेराइटल की। थर्ड वाला है पेराइटल। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, तो परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर की एक मूवी आई थी मस्ती ज्यादे, आपको ये याद होगा कि अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की मूवी आई थी मस्ती ज्यादे, तो वो आपको फोटो इंटरनेट पे आप देख लेना, आपको याद आ जाएगी। तो इनको तो आप जानते ही होंगे। तो परिणीति से मतलब आ जाएगा पेराइटल, तो PA से आ जाएगा पेराइटल, अर्जुन से मतलब आ जाएगा आरजीमोन, और मस्ती ज्यादे से मतलब आ जाएगा मस्टर्ड। इससे भी आपको याद रह जाएगा, मूवी से तो आपको बहुत ज्यादा याद रहती होंगी चीजें। फिर बात करते हैं फ्री सेंट्रल की, नंबर फोर्थ। तो फ्री सेंट्रल की बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल है सभी लोग पेपर पेपर की जो PDF होती है वो फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप में से भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते होंगे कि जिस भी ईयर का पेपर आपको देखना होता होगा तो आप वहाँ की PDF डाउनलोड करते होंगे, और वो ऑब्वियसली इंटरनेट पे फ्री में ही अवेलेबल होती हैं। तो इसीलिए मैंने इसकी ट्रिक बना दी कि फ्री सेंट्रल, तो फ्री से मतलब फ्री में क्या अवेलेबल है, PDF, और PDF से यानी कि P से आ जाएगा प्रिमरोज, D से मतलब आ जाएगा डायंथस, और F से तो F से फ्री, और ऐप फ्री से भी मैंने फ्री सेंट्रल बना दिया है यहाँ पर। तो ये आपके ट्रिक हो जाएगी, इससे आप इसको इजीली याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है बेसल लास्ट। तो देखो, जिंदगी का बेस हमेशा सन और मून ही होते हैं, या फिर यही बनाते हैं, क्योंकि जिंदगी का चलती कैसे है, दिन और रात के बेसिस पर, तो ये अपन इसको बेस मान सकते हैं। तो जिससे BAS बेस का मतलब आ जाएगा बेसल, सन से मतलब सनफ्लावर, और M से मतलब मेरीगोल्ड, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन भी एकदम चुटकियों में खत्म कर दिया। अभी आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं रूट की, जो कि मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, मैंने बताया था कि मैं आपको बाद में इसका डिस्कस करूंगा, और अभी यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं रूट के बारे में। तो रूट क्योंकि एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है, बट अपन को याद होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट हो या फिर लास्ट हो, इस बात पर समझ रहे होंगे। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना अभी तक भी नहीं किया है। तो बात करते हैं, इसको तीन टाइप से ये भी डिवाइडेड रहती है
रूट भी, क्योंकि ये मॉडिफाई होती रहती हैं। तो किस तरीके से मॉडिफाई होती हैं, एक तो स्टोरेज के लिए, एक रेस्पिरेशन के लिए, एक सपोर्ट के लिए। तो ये तीन टाइप से अपनी एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसकी ट्रिक से मैं आपको समझा देता हूँ। तो ट्रिक क्या होती है, जो रूट इंग्लैंड क्रिकेट टीम का एक क्रिकेटर है, जो रूट आपको फोटो दिख रही होगी, तो जो रूट को अब देखो, जो रूट है बहुत बड़ा क्रिकेटर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो स्पोर्ट्समैन पर्सन है, तो वो बाकी लोगों का ख्याल भी रखता है। बाकी लोगों का ख्याल कैसे रखता है, देखो मैं कहानी से आप समझाऊंगा अच्छे से, तो वो आपको याद भी रहेगी। तो जो रूट को रेस्पिरेशन को स्टोर करने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो यानी कि जो रूट जो इंग्लैंड का क्रिकेटर है, जानते होंगे आप लोग, अदरवाइज फोटो आपने देख ली, समझ पहचान गए होंगे। तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन, आपने कोरोना में देखा कि कितने ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास तो अवेलेबल भी नहीं हो पाई ऑक्सीजन। तो इसके लिए रेस्पिरेशन को स्टोर करने का मतलब है, अपन रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन मान के चलो, कि ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए उसने उसको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो ऐसा एक अभियान चला रहा है। ये एक कहानी है। अब इससे अपन को याद कैसे रहेगा वो मैं बताता हूँ आपको ट्रिक बाकी चीज़ों। तो फर्स्ट टाइप की अपनी टाइप था वो थी स्टोरेज। तो रूट स्टोरेज में कैसे होती है, तो देखो जो रूट ने क्या किया कि इस एडवांटेज के लिए टैप लगाते हैं। अब ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए आपने देखा होगा कि सिलेंडर्स के अंदर गैस भरी हुई होती है ऑक्सीजन, तो उसको अगर और ज्यादा सेफ्टी रखनी है तो उसको टैप लगा दिए, टैप समझते हो ना, उस पर पट्टी लगा दी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एडवांटेज का मतलब हो गया एडवेंटीशियस रूट, और एडवेंटीशियस रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। तो एडवांटेज मिला तो कुछ खाने को स्वीट सा मिलेगा, इसलिए अपन को याद रह जाएगा। टेप से मतलब आ जाएगा टेप रूट, और टेप रूट का एग्जांपल है कार से टेप लाए। अब टेप रूट का एग्जांपल याद करने का भी मैंने तरीका है कि टेप लगाने के लिए टेप होनी भी तो चाहिए, तो वो टेप लाने के लिए कार से टेप लाए, तो टेप लाने के लिए कार से गए। तो कार के सी से आ जाएगा कैरेट, और एस से आ जाएगा सलजम। तो ये याद करने का तरीका हो गया, इसको एक बार फिर देख लोगे तो आपको इजी याद रह जाएगा। अब रेस्पिरेटरी रूट के, जो रेस्पिरेटरी रूट होती हैं उसका एग्जांपल है राइजोफोरा, क्योंकि आर से मतलब रेस्पिरेशन के आर से, और इसका भी आर है, तो आर से आर निकल जाएगा, रेस्पिरेटरी रूट का एग्जांपल है राइजोफोरा। लास्ट बात करते हैं, अब आती है सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए रूट क्या करती हैं, अब जो रूट ने क्या किया कि उसको सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि इतना सारा अकेला तो वो कर नहीं सकता इतना सारा स्टोर, तो इसको क्या चाहिए कि प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। तो जो रूट को प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, तो प्रॉपर के प्रॉप से आ जाएगा प्रॉप रूट, और प्रॉप रूट का एग्जांपल है बेनियान ट्री है, क्योंकि बेनियान ट्री अकेला इतना बड़ा ट्री होता है, आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि उसके, मैं इसको नोट कर देता हूँ सही से पहले एक बार, तो बेनियन ट्री होता है क्योंकि सबसे बड़े ट्री होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं, क्योंकि ये इनकी साइज जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। तो इसलिए प्रॉपर सपोर्ट, यानी कि प्रॉपर सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट का एग्जांपल आ जाएगा, और इसका एग्जांपल है बेनियन ट्री, तो ये आपको याद रह जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरी मॉर्फोलॉजी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने मॉडिफिकेशन थे वो बता दिए हैं। अब प्लांट फैमिली, क्योंकि अलग से वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो उसका मैं वीडियो अलग से आपके साथ लेकर आऊँगा, तो वो आप ज़रूर देख लेना। बाकी ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी छोटे से टाइमर मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी विद एग्जाम्पल्स। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो मैंने बता दिया, फैमिलीज की भी मैं इसी तरीके से ट्रिक आपको समझा दूंगा, तो वो आप ज़रूर देख लेना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।